आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा बीगल की। और ये बीगल को मैं 4 महीने का था तब मिला था। उसके बाद थोड़ा से उसमें साइंस से अग्रेशन के, तो मैंने उनके ओनर को बोला था कि आप अपनी डॉटर को थोड़ा दूर रखना इससे, और अपनी डॉटर को समझा देना कि वो टेडी बेयर नहीं है, अभी क्यूट लगता है, बाद में जाके वो क्यूट के जब दांत बड़े हो जाएंगे तो वो क्यूटनेस दिखा देगा अपनी। थर्ड ईयर में थी उनकी डॉटर, तो वो उठा के ऐसे करके घूमती रहती, वो उसका बीगल ऐसे ऐसे करता रहता है कि छोड़ो मेरे को छोड़ो। तो जब वो 1 साल का हो गया तो मेरे पास कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे काट लिया है फेस पे। हमेशा ऐसे नहीं होता है कि आपके डॉगी को हग्स पसंद है, वो बहुत सी बार तो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि वो आपको पसंद है। आपका डॉगी आपके साथ बेड पे आता है ना, तो वो आपके साथ सिर्फ अपनी बॉडी का कुछ पार्ट लगा के सोता है, जैसे कि बैक लगा के सोएगा। हग करके सोना आपको होता है, आपके ब्लैंकेट के भी अंदर अगर आके डॉगी सोता है ना तो साथ में आपको टच करके सोता है, वो हग करके नहीं सोता। कभी कभी डॉगी जो होते हैं ना वो उनकी लिमिट क्रॉस हो जाती है कि अब तो उनको यही पता है कि अब उनको काट के ही दिखाना है, तो वो आपको काट के दिखा देते हैं। तो उस केस में आप बोलते हो कि डॉगी की ट्रेनिंग करनी है, डॉगी को सिखाना है कि ना काटे। भाई वो तो सीखेगा ही नहीं, वो तो उसका नेचर है, उसको नहीं पसंद हग्स ना। पर्सनली मुझे नहीं हग्स पसंद, डॉगी को भी ऐसा हो सकता है कि हग्स नहीं पसंद है। तो जब लोग वैसे काफ़ी हो सकते हैं तो फिर डॉग्स क्यों नहीं हो सकते हैं।